डियर स्टूडेंट टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्टीन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट सिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स अब हमको फिलिंग द ब्लैंक्स देखनी है ए मोस्ट लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक तो क्या आएगा सिंपल है एसिड्स बेजिस एंड बी आए पैसेज ओपन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कोशिश ब्लैंक इफेक्ट कौन सी इफेक्ट्स होती है केमिकल्स इफेक्ट्स होती है सॉल्यूशन के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज जो होता है उस उसकी वजह से कौन सी इफेक्ट होती है केमिकल इफेक्ट्स होती है सी If you pass current through copper sulfate solution, copper gas deposit on the plate connected to the blank terminal of the battery. तो कॉपर sulfate सल्फेट सोल्यूशन के through जो करंट पास होता है तो जो कॉपर जो है वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड हो गए वो प्लेट पर डिपॉजिट होता है जमा होता है तो कौन सा टर्मिनल आएगा बैटरी का क्या आएगा नेगेटिव आएगा डी द प्रोसेस ऑफ depositing अ लेयर ऑफ एन एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मेटल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड तो इसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं कल हमने ही देखी थी अगले वीडियो में ही हमने देखा था क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं क्वेश्चन टू वेन द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर आर डिपेड इन टू अ सोल्यूशन द मैग्नेटिक निडल सोर्स डिफ्लेक्शन कैन यू एक्सप्लेन द रीजन उसके बारे में देखते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन तो जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग होता है इट मीन्स द लिक्विड और अ सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसका मीनिंग क्या होता है लिक्विड और द सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है वेन द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर आर डिपेंड इन टू अ सोल्यूशन electric circuit is complete and an electric current passes through the solution ke jab tester ke jo free end se free end mein solution mein usko dipper karte hai ke jab solution mein tester ke jo bhi free end se usko ekdam niche dip डिपेट करते हैं तो क्या होता है electric circuit complete होती है तो solution के through electric current passes होता है थ्री नेम थ्री लिक्विड विच वेन टेस्टेड इन द मैनर शो इन फिगर फोर्टीन पॉइंट नाइन मे कॉस द मैग्नेटिक नीडल टू द डिफ्लेक्ट तो इधर पिक्चर में देख सकते हैं फिगर फोर्टीन पॉइंट नाइन दी गई है तो हमने ऑलरेडी ये फिगर हमने चैप्टर में भी देख ली है तो उसका आंसर देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं तो ग्राउंड वाटर विनेगर सीट्रिक फ्रूट जूस द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो ग्राउंड वाटर विनेगर सिट्रिक फ्रूट जूस एन ए में तो जो भी लिक्विड सोल्यूशन है उसमें क्या होता है सॉल्ट का कंटेनिंग होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्वेश्चन फोर द बल्ब डस नॉट ग्लो इन द सेटअप सोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट टेन लिस्ट द पॉसिबल रिजल्ट एक्सप्लेन योर आंसर स्टूडेंट लुक एट द फिगर फोर्टीन पॉइंट टेन ये फिगर भी हमने ऑलरेडी दे देख ली है चैप्टर में तो ये जो सेटअप है तो उससे क्या होता है बल्ब ग्लो नहीं होता है तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या है वो हमको एक्सप्लेन करना है तो उसका आंसर देखते हैं देर मे बी द फॉलोइंग पॉसिबल डिज़न फॉर नॉट टू ग्लो तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं होता है उसका लिक्विड सॉल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल वाटर तो कंटेनर में जो लिक्विड सोल्यूशन है वो डिस्टिल वाटर है बल्ब मे बी फ्यूज तो बल्ब जो है आपका फ्यूज हो गया होगा उठ गया होगा

एनी लूज कनेक्शन लाइक इलेक्ट्रोस आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू वायर टू एनी कुछ भी लूज कनेक्शन होगा लाइक इलेक्ट्रोस जो होंगे वो वायर के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा क्वेश्चन फाइव अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल ए एंड बी इट इज फाउंड डेट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोव ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोव वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी यू वुड कंक्लूड डेट उसमें फर्स्ट लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी सेकेंड लिक्विड बी इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए थर्ड बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग फॉर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर इन दिस मैनर तो क्या आएगा उसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी क्वेश्चन सिक्स डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग उसका आंसर देखते हैं प्योर और डिस्टिल वाटर डस नॉट कंटेन सॉल्ट तो प्योर और डिस्टिल वाटर में सॉल्ट का कंटेंट नहीं होता देअ इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है वी कैन एट इंप्योरिटीज लाइक सॉल्ट लेमन जूस विनेगर एक्सेट्रा टू मेक इट कंडक्टिंग तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें इंप्योरिटीज ऐड करना पड़ता है यानी सॉल्ट लेमन जूस एंड विनेगर उसमें ऐड करना पड़ता है तो ही वो कंडक्टिंग बनेगा क्वेश्चन सेवन

एंड अदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू एवॉयड एनी शॉर्ट सर्किट फायर मैन शॉर्ट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया तो फायर मैन जो है वो उन एरिया उन एरिया का मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को शॉर्ट ऑफ कर देता है क्योंकि उससे क्या होता है दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता एंड एनी शॉर्ट सर्किट से भी एवॉइड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से हम सेव होते हैं और कोई भी शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता इसलिए मेन पावर सप्लाई आपका डेटे है। क्वेश्चन एट अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट इज द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो सी वाटर विथ हिस्स टेस्टर। ही फाइंड्स डेट द कंपस नीडल रिफ्लेक्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर कैन यू एक्सप्लेन द रीजन उसका हम आंसर देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर इज केमिकली क्रिएटेड एंड प्योरिफाइड बाई रिमूविंग वरियस इंप्यूरिटीज एंड सॉल्ट फ्रॉम इट तो ड्रिंकिंग वाटर जो है एक केमिकल ट्रिएटेड है एंड क्या है प्योरीफाइड है, 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 है. Salts, तो किससे उसमें सॉल्ट एंड वरियस इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं रिमूविंग करते हैं वाई द सी वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट तो सी वाटर में लॉट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स का कंटेंट होता है देयर फॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आय एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर तो सी वाटर जो है वो मोर आयन्स प्रोड्यूस करता है ड्रिंकिंग वाटर के कंपन में एंड द चाइल्ड सीज मोर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल इन केस ऑफ सी वाटर तो चाइल्ड जो है वो सी वाटर के केसेस में मैग्नेटिक निडल में मोर डिफ्लेक्शन होता है उनको चाइल्ड लोग दे सकते हैं सी वाटर में क्वेश्चन नाइन

आउटडोर जो है तो उनको इलेक्ट्रिक को कैरी आउट करना उसको रिपेयर रिपेयर करना क्या है अनसेफ है एंड रिस्की है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक तो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस होता है क्वेश्चन टेन पहली है इज अ गुड एस डिस्टिल वाटर

सस्पेंडेंड डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट तो उसमें सस्पेंडेंड डस्ट पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट का भी एनमे कंटेन होता है तो गैसेस का सस्पेंडेंड डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट का एनमे कंटेंस होता है दिस पार्टिकल्स गेट डिसोल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट गुड कंडक्टिंग मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो रेन वाटर में ये जो भी पार्टिकल्स है वो डिसोल्व होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्टिंग मीडियम को गुड बनाते हैं क्वेश्चन इलेवन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू डेट आर इलेक्ट्रो प्लेटेड इसका आंसर देखते हैं क्वालिटी कैंस आर टिन प्लेटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड तो कोल्ड ड्रिंक्स कैंस के उस भी टीन प्लेटेड होता है एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी के आइटम से उसके ऊपर सिल्वर और गोल प्लेटेड होता है कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड तो कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स पर क्रोमियम प्लेटेड होता है मेटल डोर्स डोर हैंडल्स आर जिंक प्लेटेड तो मेटल डोर्स डोर हैंडल्स पर वो जिंक प्लेटेड होता है क्वेश्चन ट्वेल्व

उसका तो आंसर देखते हैं हम इम्प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल तो इम्प्योर कॉपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड एस कॉपर आय आर पॉजिटिवली चार्जेड एंड विल अट्रैक्ट टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल तो प्योर कॉपर प्लेट जो है वो इलेक्ट्रोक के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है तो उससे क्या है कोपन आयस जो है वो पॉजिटिवली चार्जिड होता है एंड उसके नेगेटिव इलेक्ट्रिक टर्मिनल के साथ वो एट्रैक्ट होता है वे विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो